से एक खबर सामने आई जहां पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। हमले में घायल हुई सपा नेता की बेटी। बड़ी खबर आपको बता दें, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की पूरी वारदात आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से बदमाशों ने उनके ऊपर हमला किया और इस हमले में उनकी बेटी घायल हो गई। निशांत त्यागी निवासी मोटा ने थाना मुरादनगर पर लिखित तहरीर दी कि कुछ लोग उन पर हमलावर हुए। इस संबंध में उनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। हमलावरों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो सपा नेता निशांत त्यागी पर जानलेवा हमला किया गया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जयवीर मावी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, गाजियाबाद में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, सपा नेता के ऊपर हमला किया गया है, क्या कुछ है जानकारी? देखिए, जिस तरह की अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में अब लगातार बदमाशों के जो हौसले हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं रोज बड़ी घटनाएं हो रही हैं जिसको लेकर लगातार जो आम जनता है वह भी परेशान है, वहीं व्यापारी की बात करें परेशान है। आपको बता दें, ताजा मामला जो सपा नेता है और पूर्व विराज मुरादनगर विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं जिन्होंने मुरादनगर से समाजवादी पार्टी की संबल पर चुनाव लड़ा था, निशांत त्यागी, उनका मामला है। उनका स्कूल है वहीं मुरादनगर क्षेत्र के मोरटा थाना चौकी क्षेत्र पड़ता है। जैसे ही वो अपने स्कूल पर पहुंचे, अपनी गाड़ी से पहुंचे, वहां पहले से ही घात लगाकर कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने निशांत को पहुंचते ही वहां पर पहले मारपीट शुरू कर दी और हथियार भी निकाले। कुछ लोग हथियारबंद भी वहां पहुंचे थे लेकिन कुछ और लोगों के आ जाने की वजह से वह लोग निशांत को बीच में ही छोड़कर भाग गए। सारा मामला सीसीटीवी में कैद है जिसमें सीसीटीवी में आप देख सकते हैं जो किस तरह से जो बदमाश थे वो घात लगाकर बैठे हुए थे और निशांत पर हमला करने की पूरी साजिश की तैयारियां थी। लेकिन सौभाग्य रहा निशांत त्यागी का कि हमलावर कोई बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सके, गोली नहीं चला पाए, क्योंकि और लोग वो ये रास्ते की बात करें तो मुख्य मार्ग पर ये स्कूल उनका अपना स्कूल है जिस पर वो उसके डायरेक्टर हैं और वहीं पर लोगों का आना जाना भी होता है। अन्य लोग क्योंकि वहां पर रास्ता है चलता रहता है, अगर बदमाश थोड़ी इंतजार करने के बाद अगर स्कूल के अंदर जाकर वारदात को अंजाम देते तो शायद निशांत त्यागी का बचना मुश्किल हो जाता, क्योंकि स्कूल के अंदर आजकल लॉकडाउन चल रहा है, स्टाफ नहीं होता है, देखरेख के लिए आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमला हो रहा है, जिस तरीके से वारदात लगातार गाजियाबाद में हो रही है, लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं बदमाशों के सामने कमजोर नजर आ रही है। कहा जा सकता है कि पुलिस मस्त है और लेकिन बदमाश जो है यहाँ पर पूरी तरह से मस्त है और लगातार जो वारदात उनको अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल जयवीर, बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं बदमाशों को खाकी का बिल्कुल खौफ नहीं रह गया क्योंकि जिस तरीके से ये वारदात सामने आई, सीसीटीवी में जो फुटेज सामने आए हैं, जयवीर क्या पता चल पाया है कौन थे ये बदमाश, क्या निशांत की तरफ से कुछ बताया गया है, कार्रवाई कहां तक पहुंची? निशांत की तरफ से अभी पुलिस को शिकायत दी गई है, क्षेत्राधिकारी का बयान आया है कि भाई जो सीसीटीवी के आधार पर जांच की जा रही है, बदमाशों को जल्द पकड़ा जाएगा। हालांकि निशांत से संपर्क करने का प्रयास किया गया था लेकिन अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। संभावना है जल्द से जल्द उनसे संपर्क करेंगे और उनसे उनका पक्ष जानने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर कौन बदमाश थे या पूर्व परिचित से कहीं पुरानी दुश्मनी तो नहीं है या किस तरह के जो लोग थे, आखिर घटना के पीछे कोई तो कारण होगा। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सूचना के आधार पर अब जांच मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद सीसीटीवी की जांच की जा रही है, फुटेज के आधार पर जो बदमाश उनको पहचानने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बाद जब पहचान लेंगे तभी पुलिस इस मामले में कुछ बता पाएगी। क्योंकि पुलिस का कहना है कि अभी क्योंकि जांच प्रारंभिक जांच में है सभी चीजें नहीं बताई जा सकती है, इसीलिए जब तक मामले का खुलासा नहीं होगा तो शायद पुलिस की तरफ से कोई बयान इसका नहीं आ पाएगा। बिल्कुल जयवीर, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो सीसीटीवी में कैद हुई अब मारपीट की पूरी घटना, फिलहाल जांच करी जा रही है कौन थे ये बदमाश और हर एक चीज की बारीकी से जांच की जा रही है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कौन थे ये बदमाश।